हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो मेरे सबसे हर किसी का फेवरेट टॉपिक है, बिकॉज इन दिस टॉपिक आज हम थोड़ा ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस समथिंग इन रिलेशन टू कार्स। और आपको पता है गाइस, BS6 कंप्लायंट इंजन्स कंपलसरी होंगे इंडिया में, और BS6 और BS4 में यही डिफरेंस है सबसे बड़ा, कि जो BS6 इंजन्स होते हैं वो 50% लेस पोल्यूशन ऑमिट करते हैं इन कंपेरिजन टू BS4 इंजन्स। तो एनवायरमेंट के लिए ये गुड न्यूज़ है गाइज ये। सो गाइज, बेसिकली मैं सी सेगमेंट कार्स डिस्कस करूँगा जो 10 लाख से 15 लाख के बीच में है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाए, और कॉमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। सो लेट अस स्टार्ट गाइज। सो गाइज, जैसा मैंने आपको बताया, मैं सी सेगमेंट में कार्स डिस्कस करूंगा। इसमें बेसिकली गाइज, मैं जो भी कार्स डिस्कस करूंगा वो है होंडा सिटी, ह्यूंडई वेर्ना, मारुति सुजुकी सियाज, फोक्सवैगन वेंटो एंड स्कोडा रैपिड। गाइज, इसके मैं जो जितने भी फीचर्स हैं वो कम डिस्कस करूंगा, और टेक्निकल जो डेटा है इसका लाइक इंजन स्पेसिफिकेशन, उस बारे में ज़्यादा डिस्कस करूंगा, क्योंकि BS6 कंप्लायंट होने के बाद सभी कंपनी ने लगभग अपने सभी के सभी इंजन चेंज कर दिए हैं। मेरे हिसाब से वो हर किसी को नहीं पता, तो आई थॉट कि मैं आप सबको बताऊं, और मैं आपको हर गाड़ियों के प्रोज एंड कॉन्स भी डिस्कस करूंगा, और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। गाइस गाइस, कमिंग ऑन टू कार नंबर वन, सबसे पहले मैं होंडा सिटी के बारे में आपको बता दूं। इसके दो इंजन आते हैं, 1.5 लीटर पेट्रोल एंड 1.5 लीटर डीजल। जो पेट्रोल इंजन है वो 119 bhp ऑफ पावर प्रोड्यूस करता है, और 144 nm ऑफ टॉर्क। और जो डीजल इंजन है वो 100 bhp ऑफ पावर प्रोड्यूस करता है और 200 nm ऑफ टॉर्क। गाइज, ये होगी इसके पेट्रोल और डीजल इंजन। पेट्रोल में आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों का ऑप्शन मिलेगा, डीजल में सिर्फ आपको मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा। फीचर्स की बात करें तो फीचर्स ज़्यादा नहीं मैं बताऊंगा, थोड़े बहुत आपको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पुश स्टार्ट मिलेगा, कीलेस एंट्री मिलेगी, टच डिस्प्ले मिलेगा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, कैमरा, एयरबैग्स, सनरूफ, सब कुछ मिलेगा इस गाड़ी में। मतलब फुली लोडेड आएगी आपको। LED लाइट्स मिलेंगी इसके फ्रंट और रियर टॉप मॉडल में। सो गाइज, ये होगी होंडा सिटी के फीचर्स की बात। कमिंग ऑन टू, अगर इसके प्लस पॉइंट्स बताऊँ इस गाड़ी में, तो वो ये है कि इसका जो इंजन है बेसिकली वो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। वो सिर्फ पेट्रोल डीजल इसका इंजन, मतलब ऐसा नहीं है सक्सेसफुल है, बट जैसे जो रेपुटेशन है होंडा सिटी की, जो इंजन बनाते हैं बिल्कुल साइलेंट और बिल्कुल रिफाइंड, वो बात इनके डीजल इंजन में नहीं है। इनका जो पेट्रोल इंजन है वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। इस गाड़ी का जो स्टेयरिंग फीडबैक है गाइस, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब आप गाड़ी होल्ड करते हो, जब आप गाड़ी चला रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा स्टेयरिंग से। तो वही बात होगी गाइस की, एक तो इंजन बहुत अच्छा है इनका पेट्रोल इंजन, और स्टीयरिंग से फीडबैक बहुत अच्छा मिलेगा। अगर इसके नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें इस गाड़ी की, तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। होंडा आपको पता है, मतलब गाड़ियाँ बहुत अच्छी बनाते हैं, बट इनके जो ओवरऑल बिल्ड है वो इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं होती इन कंपेरिजन टू यूरोपियन कार्स। गाइस नाउ गाइस, कमिंग ऑन टू सेकेंड कार, विल डिस्कस अबाउट मारुति सुजुकी सियाज। इसमें गाइस, मैं बहुत बड़ी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इसका जो डीजल इंजन है वो डिसकंटिन्यू हो गया। यस, यू हर्ड इट राइट, इसका बेसिकली बिकॉज ऑफ BS6 कंप्लायंट डीजल इंजन इसका बंद कर दिया कंपनी ने, और पेट्रोल इंजन में सिर्फ अवेलेबल रहेगी 1462 cc के साथ रहेगा वो इंजन, और 103 bhp ऑफ पावर और 138 nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। गाइस, इसके जो ट्रांसमिशन है वो मैनुअल, 5-speed मैनुअल आएगा और 4-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आएगा। फीचर्स की बात करें, फीचर्स इसमें फुली लोडेड मिलेंगे आपको, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, कैमरा, एयरबैग्स, लगभग सब कुछ मिलेगा आपको। और इसके प्लस पॉइंट्स की बात करें गाइस, इसकी जो आफ्टर सेल सर्विस है वो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट, आपको पता है स्पेयर्स अवेलेबिलिटी और स्पेयर्स की कॉस्ट दोनों की कम है, और अवेलेबिलिटी भी आपको पूरी मिलेगी। इस गाड़ी में लेग रूम बहुत अच्छा है, बहुत स्पेशियस है अंदर से गाड़ी है, और आपको स्टार्ट स्टॉप फीचर मिलेगा, जो स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है इनकी, जो जैसे आप कहीं भी लाइट्स पे खड़े हैं, न्यूट्रल पे गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी, क्लच पेडल पे रखते ही आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी, और जैसे ही आप ब्रेकिंग करते हैं तो उसकी बैटरीज भी चार्ज होती हैं, जो हेल्प करता है स्टार्ट स्टॉप फंक्शनिंग में, उसको बैलेंस करने में गाइस। और इसकी ये थी पॉजिटिव साइड्स। अगर नेगेटिव साइड्स की बात करें, इसका जो इंजन है वो इस सेगमेंट में सबसे लो परफॉर्म करने वाला इंजन है, और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उसकी क्या बात करें, सबको पता ही है, बिल्कुल बिल्कुल हल्की गाड़ियाँ, बिल्कुल ही ज़्यादा जिसमें बिल्कुल भी दम नहीं होता, बहुत ज़्यादा पुअर क्वालिटी इनकी है। और ये थे गाइस इसके नेगेटिव पॉइंट्स। नाउ गाइस, कमिंग ऑन टू थर्ड कार, विल डिस्कस अबाउट ह्यूंडई वेर्ना।
इसमें गाइस बेसिकली आपको तीन इंजन मिलेंगे, वन डीजल एंड टू पेट्रोल इंजन। यस गाइस, इसमें जो 1.6 लीटर डीजल इंजन था पहले वो बंद कर दिया इन्होंने, अब इन्होंने बिल्कुल चेंज करके न्यू इंजन रिलीज करा हुआ है 1.5 लीटर डीजल इंजन बिकॉज ऑफ BS6 नॉर्म्स। जो 1.5 लीटर डीजल इंजन है गाइस वो 115 BHP ऑफ पावर प्रोड्यूस करता है विद 250 Nm ऑफ टॉर्क, और जो पेट्रोल इंजन है वो भी 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है इनका, 115 BHP ऑफ पावर और 145 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। जो इनका 1 लीटर इंजन है वो टर्बो इंजन है और वो 3 सिलेंडर पे है और वो 120 BHP पावर प्रोड्यूस करता है एंड 175 Nm ऑफ टॉर्क। सो गाइस कमिंग ऑन टू फीचर्स में फुली लोडेड मिलेगा आपको सनरूफ मिलेगी, वेंटिलेटेड सीट्स, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, कैमरा, A6 एयरबैग्स, मतलब बिल्कुल फुली लोडेड, सबसे ज़्यादा फीचर लोडेड गाड़ी इन सभी में से जो सी मैं डिस्कस करूँगा वो वेरना ही है। और आपको वायरलेस चार्जिंग भी गाइस इसमें आपको मिलेगी। सो गाइस कमिंग ऑन टू ट्रांसमिशन, डीजल में आपको मैनुअल मिलेगा, 6-speed मैनुअल एंड और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा, और पेट्रोल में आपको 6-speed मैनुअल और IVT ट्रांसमिशन मिलेगा, इसको CVT ट्रांसमिशन भी कह सकते हैं। एंड कमिंग ऑन टू 1 लीटर इंजन जो इनका पेट्रोल इंजन है उसमें डुअल क्लच ट्रांसमिशन मिलेगा उसमें। कमिंग ऑन टू पॉजिटिव साइड गाइस, इस गाड़ी की फीचर्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको, इनकी भी आफ्टर सेल्स बहुत अच्छी है, स्पेस भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, और इनका जो डीजल इंजन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और पेट्रोल इंजन इनका जो टर्बो इंजन है डुअल क्लच के साथ वो भी बहुत अच्छा इंजन है गाइस इसका। कमिंग ऑन टू नेगेटिव साइड्स, थोड़ी बहुत बिल्ड क्वालिटी मैं कहूँगा इनकी ओके मतलब बहुत ज़्यादा पुअर नहीं है, इन कंपैरिजन टू मारुति तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, होंडा से भी अच्छी है, अदरवाइज इन कंपैरिजन टू यूरोपियन थोड़ा बहुत लैक करती है, बट एट द सेम टाइम इसकी जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, जो ड्राइविंग प्लेजर है वो इस गाड़ी में आपको मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर सिर्फ भगानी है गाड़ी वो भगाने के लिए ठीक है, बट स्टीयरिंग फीडबैक होता है, जैसे कॉन्फिडेंस होता है जब भी आपने स्टीयरिंग को होल्ड कर रखा है, वो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत एक्सट्रीमली लाइट स्टीयरिंग होते हैं ह्यूंडई की सभी गाड़ियों में। गाइस एक और आपको नेगेटिव बात अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसकी जो सीट्स हैं, इसका जो डैशबोर्ड है वो बहुत ऊपर है, मतलब अगर आपकी हाइट छोटी है और आप शॉर्ट हाइटेड है तो आपको आगे देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, और पीछे से भी जो इनकी विंडो लाइन है वो बहुत ऊपर से शुरू होती है, जो पीछे पैसेंजर्स बैठे होते हैं उनको भी बाहर देखने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये पॉइंट मेरे हिसाब से कई लोगों के लिए इतना बड़ा ना हो, बट अगर आप टेस्ट ड्राइव लेने जा रहे हैं, अगर आपने गाड़ी लेनी है, ये चीज़ ज़रूर नोटिस करें जो मैंने आपको बताया पॉइंट्स। तो ये गाइस थे मेरे पॉइंट्स वर्ना के बारे में। नाउ गाइस कमिंग ऑन टू कार नंबर 4, फोक्सवैगन वेंटो, और इसको स्कोडा रैपिड कह सकते हैं क्योंकि दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सिस्टम कंसर्न है, कंपनीज बिल्कुल सेम गाड़ी एक तरह की प्रोड्यूस करती है। तो वेंटो की स्पेसिफिकेशन की बात करें गाइस, इसमें जो डीजल इंजन है वो भी कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया है, सिर्फ पेट्रोल इंजन मिलेगा 1 लीटर BS6 नॉर्म की वजह से, 3 सिलेंडर इंजन है, 103 BHP ऑफ पावर प्रोड्यूस करेगा और 175 Nm ऑफ टॉर्क। गाइस मैं टॉक आपको हर स्पेसिफिकेशन जो भी गाड़ी की मैं बता रहा हूँ सब में डिस्कस कर रहा हूँ, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ आपको तो टॉक बेसिकली जो झटके गाड़ी का जो पिकअप है उसको बेसिकली टॉक बोलते हैं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा डीपली नहीं मैं जा रहा। और जैसे 0-60 या 0-100 कितनी जल्दी गाड़ी पकड़ेगी उसको बेसिकली टॉक बोलते हैं, तो इसकी 175 Nm टॉक है वो सिर्फ 1750 की RPM पे मिल जाती है, तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी समझ लो इसकी पिकअप है गाड़ी की। इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो गेयरबॉक्स की बात करें 5-speed मैनुअल मिलेगा और 5-speed ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स है, ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स इनका टॉक कन्वर्टर है। थोड़ा बहुत मैं आपको वो भी बताता हूँ इन ट्रांसमिशन के बारे में भी, उससे पहले मैं आपको इसके पॉजिटिव साइड्स बता दूँ गाड़ी की। सबसे पहली पॉजिटिव साइड है इनकी जो लुक्स है, मे बी आपको थोड़ी आउटडेट लगे, बट मेरे हिसाब से जितने भी जर्मन्स होती हैं ये सारी की सारी क्लासिक और बिल्कुल क्लीन लुक्स बनाती हैं, बिल्कुल भी ज़्यादा कटिंग्स या लाइंस बहुत ज़्यादा इनमें नहीं होती बॉडी पे इसकी, बिल्कुल सटल बिल्कुल क्लीन रखते हैं बॉडी को ये। इंटीरियर्स भी इसके बिल्कुल भी गॉडी से या बिल्कुल आंखों में नहीं पड़ते, बिल्कुल सटल होंगे, बिल्कुल सिंपल से इंटीरियर्स होंगे इनके। और बिल्ड क्वालिटी तो गाइस इसकी क्या बात करें बिल्ड क्वालिटी के, मतलब अगर आपने सिर्फ बिल्ड क्वालिटी के ऊपर लेना है तो आपको कभी भी कोई और ब्रांड पे जाना नहीं चाहिए, सिर्फ आपको जर्मन्स कोई भी ब्रांड आप गाड़ी पिक कर ले वो बिल्ड क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इसके नेगेटिव साइड की बात करें तो गाइस सबसे पहले इसका नेगेटिव साइड पे गाइस एक और था कि जो इसका DSG गेयरबॉक्स आता था पहले, इसमें डुअल क्लच गेयरबॉक्स पेट्रोल में भी
उसके रिलायबिलिटी इश्यूज थे, क्योंकि अदरवाइज गेयरबॉक्स बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था गाइस। मैं आपको बता दूँ अल्टीमेट गेयरबॉक्स है, मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके साथ। उसमें इश्यूज सबसे बड़े ये थे, एक तो उसके स्पेयर्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, जो अगर उसकी रिपेयर करवानी पड़ती थी गेयरबॉक्स की, और वो इंडियन बेसिकली रोड कंडीशंस पे वो सक्सेसफुल नहीं हुआ सही तरीके से, इसीलिए वो अनसक्सेसफुल रहा थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब 80% बिल्कुल ठीक चलता था, कई 10-20% गाड़ियों में कोई ना कोई दिक्कत आ जाती थी गेयरबॉक्स की वजह से। तो गाइस इसकी जो एक और नेगेटिव साइड, वो आपको पता ही है, आफ्टर सेल सर्विस फॉक्सवैगन की इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इनकी अवेलेबिलिटी जो भी स्पेयर्स हैं वो भी ज़्यादा नहीं है, और एट द सेम टाइम कॉस्टली भी हैं थोड़े। तो गाइस ये थे मैंने बेसिकली चार गाड़ियाँ जो कवर करी हैं आपके लिए, हिंडई वेर्ना, होंडा सिटी सियाज और फॉक्सवैगन वेंटो या स्कोडा रैपिड, कुछ भी कह सकते हैं गाइस। तो गाइस अब मेन मुद्दे की बात आती है कि गाड़ी लेनी है तो ले कौन सी। मैंने सबको सबकी आपको स्पेसिफिकेशंस भी बता दी, फीचर्स भी थोड़े बहुत डिस्कस कर लिए, फीचर्स तो लगभग सब में सेम है, किसी में ऊपर नीचे है, तो मतलब इन शॉर्ट आपने लेनी कौन सी चाहिए गाइस। तो इन माई ओपिनियन गाइस, अगर आपने एक डीजल गाड़ी लेनी है ना गाइस, तो आप आंखें बंद करके ह्यूंडई वेर्ना ले लो, सबसे बढ़िया स्मूथ इंजन, डीजल इंजन इनके बहुत ज़्यादा अल्टीमेट होते हैं। वैसे भी मेरे हिसाब से अब आपके पास कोई खास ऑप्शन रही नहीं, क्योंकि सियाज ने बंद कर दिया, फॉक्सवैगन भी नहीं प्रोवाइड कर रही, और वरना में मिलेगा आपको, फ्यूचर में आपको होंडा सिटी में भी मिलेगा, बट फिलहाल मेरे हिसाब से, अदरवाइज भी आ भी जाए तो भी मेरे हिसाब से आपको यू शुड स्टिक टू ह्यूंडई वेर्ना ओनली। और अगर जब जहाँ बात आती है पेट्रोल इंजन के बारे में, तो पेट्रोल इंजन में गाइस आपको ह्यूंडई वेर्ना को मेरे हिसाब से स्किप करना चाहिए। सियाज को तो छोड़िए, सियाज को तो मैं लिस्ट में ले नहीं रहा बिकॉज ऑफ बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी मेरे हिसाब से एक प्रायोरिटी में रखता हूँ मैं उसको, तो सियाज को तो मैं निकाल ही रहा हूँ। उसकी पावर भी अच्छी और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी, तो उस गाड़ी में कुछ है नहीं खास लेने को। तो कमिंग ऑन टू जो तीन गाड़ी बची हैं गाइस, वेर्ना, होंडा सिटी एंड फॉक्सवैगन वेंटो, गाइस अगर आपने मैनुअल लेनी है पेट्रोल इंजन, तो आप चुप करके आंखें बंद करके होंडा सिटी ले लें, इससे ऊपर आपको कोई ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा। इनका गेयरबॉक्स मैनुअल बहुत ज़्यादा अल्टीमेट है, इंजन इतना ज़्यादा स्मूथ है, मतलब फिर से मैं आपको कहूँगा स्टार्ट गाड़ी में आप सेल्फ फिर से दे दोगे, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है। तो बिल्कुल अगर आपने मैनुअल गेयरबॉक्स लेना है पेट्रोल में, तो डेफिनेटली गो फॉर होंडा सिटी। रही बात वेर्ना की, वेर्ना का आपको क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें जो इनका 1 लीटर इंजन है, टर्बो इंजन है, उसमें अगेन ड्यूल क्लच दिया हुआ है, उसके भी रिलायबिलिटी इश्यूज होंगे ट्रांसमिशन के। और जो इनका 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है, उससे बढ़िया इंजन मेरे हिसाब से होंडा सिटी का और वेंटो का। वेंटो ऑब्वियसली मेरी पर्सनल फेवरेट है, मैं थोड़ा बहुत बायस हूँ उसके साथ, इवन नोइंग द फैक्ट कि उनके स्पेयर्स थोड़े बहुत कॉस्टली है और सर्विसिंग भी थोड़ी बहुत कॉस्टली है, बट अदरवाइज गाइस उन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया। मेरा खुद एक्सपीरियंस है, मैं खुद एक फॉक्सवैगन ओन करता हूँ, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर ली है। खैर बिल्ड क्वालिटी अल्टीमेट, बिल्कुल जब दरवाज़ा बंद होता है बिल्कुल थट की आवाज़ आती है, आपको खुद को रियलाइज़ होगा कि नॉर्मल छोटे बच्चे जो तो फॉक्सवैगन की गाड़ियों का दरवाज़ा भी नहीं खोल सकते, वो इतनी ज़्यादा सॉलिड होती है उनकी बिल्ड क्वालिटी। नाउ गाइस अगर आपने ऑटोमेटिक पेट्रोल लेनी है, तो मेरे हिसाब से आपके पास दो ऑप्शन बचती हैं, या तो आप होंडा सिटी पेट्रोल लें जो CVT ट्रांसमिशन के साथ आता है, या फिर आप फॉक्सवैगन वेंटो लें जो ऑटोमेटिक टॉक कन्वर्टर के साथ आता है। अब थोड़ा बहुत गेयरबॉक्स का गाइस मैं आपको बताऊँ, CVT और टॉक कन्वर्टर में क्या डिफरेंस है। बेसिकली जो CVT होता है वो कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन इसकी फुल फॉर्म है। इसमें बेसिकली गाइस कोई गियर नहीं होता, एक तरह का जैसे हम एक्टिवा चलाते हैं ना गाइस, वैसे बिल्कुल चलती है ये, जैसे आपने स्पीड दी वो साथ ही चलती रहेगी बिल्कुल, कोई इसमें गियर शिफ्ट का कोई वो नहीं चांस रहेगा, और एट द सेम टाइम रिलायबल भी है, कोई इसमें दिक्कत भी नहीं गेयरबॉक्स में। बट ऑन द अदर अगर हम टॉक कन्वर्टर की बात करें, वो द मोस्ट रिलायबल ट्रांसमिशन जो मार्केट में फिलहाल अवेलेबल है। अब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी, जितनी भी SUVs देखते हैं लाइक एंडेवर, फॉर्चून, इन सब में टॉक कन्वर्टर ही आता है, तो आपको पता ही है इन पे तो लोड भी बहुत ज़्यादा होता है गाड़ियों का, तो कितने अच्छे तरीके से हैंडल करती हैं। तो आपको मिलेगा गाइस वेंटो में, वो बेसिकली 6-speed ऑटोमेटिक के साथ आएगा। इसमें टॉक कन्वर्टर की मैं अगर एक और बात बताऊँ, ये सबसे ज़्यादा पुराना ट्रांसमिशन है, दी मोस्ट रिलायबल, सबसे पहले से ये यूज़ होता रहता है, और आज की डेट में इसमें इम्प्रूवमेंट के बाद बहुत ज़्यादा रिफाइंड, बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो इन शॉर्ट अगर आपने ऑटोमेटिक गाड़ी लेनी है, पेट्रोल गाड़ी लेनी है, तो आप छुप करके आंखें बंद करके फॉक्सवैगन वेंटो लें। बिल्ड क्वालिटी अल्टीमेट इनकी गाइस, हर चीज़ में जान है। आप इनका स्टेयरिंग पकड़ेंगे इतना सॉलिड फील आएगी आपको, इनका जो म्यूजिक सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट है, बेस प्रॉपर मिलेगी आपको,
और हॉर्न इनका बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऑटोमेटिक आपको टॉक कन्वर्टर, आपको ट्रांसमिशन मिल गया, सबसे रिलायबल ट्रांसमिशन मिल गया, और क्या चाहिए। सो इन शॉर्ट गाइस, मैं आपको फिर से बता दूं, इफ़ यू वांट टू बाय अ डीजल कार गो फॉर ह्यूंडई वेरना। पेट्रोल ऑटोमेटिक लेनी है तो फोक्सवैगन वेंटो ले, अगर आपने मैनुअल लेनी है गो फॉर होंडा सिटी गाइस। तो ये थी मेरी गाइस गाड़ियों के बारे में डिस्कशन। आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो थम्स अप दे देना। बहुत ज़्यादा मेहनत करके, बहुत ज़्यादा स्टडी करके मैंने आपको बिल्कुल सही तरीके की डेटा प्रोवाइड करा है। प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। प्लीज़।